ये बच्चों रचनाओं में आगे बढ़ेंगे। 11.1 कौन सा सवाल करना है आज? पांचवा सवाल। बढ़िया भाई, क्या है पांचवा सवाल? एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एबी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण एबीसी बराबर 60 अंश हो। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं जरा इसका। कह रहा है कि एक कोई त्रिभुज एबीसी बनाना है और इसमें क्या क्या दिया गया है? बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एबी बराबर 5 सेंटीमीटर। हाँ, कोण एबीसी बराबर 60 अंश। तो ये त्रिभुज तो बना लेंगे, दो भुजाएं उनके बीच का कोण दिया गया है और त्रिभुज बनाने के बाद स्केल फैक्टर क्या दिया गया है? इसके समरूप त्रिभुज बनाना है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4। तो स्केल फैक्टर दिया गया है 3/4, अर्थात जो त्रिभुज बनेगा वो इस वाले त्रिभुज से छोटा बनेगा कि बड़ा? बड़ा बनेगा। कौन छोटा कह रहा है भैया? यहाँ पर स्केल फैक्टर 3/4 है, छोटा बनेगा। सही कह रहा है, बड़ा कैसे बनेगा? तीन छोटा है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो स्केल फैक्टर यहाँ पे लेस देन वन है और जब लेस देन वन है तो इसका मतलब जो त्रिभुज बनेगा वो छोटा बनेगा। चलिए तो सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं जल्दी से। तो बैठ जाइए आप, आधार बी सी 6 सेंटीमीटर खींच लीजिए। ये आधार हो गया बी सी 6 सेंटीमीटर। इसके पश्चात बिंदु बी से 60 अंश का कोण बनाती है, किरण खींचेंगे। तो बिंदु बी से 60 अंश बनाने के लिए बी को केंद्र लिया, किसी भी त्रिज्या का एक ये चाप लगा लिया, बिना त्रिज्या बदले इस बिंदु को केंद्र लेंगे और एक ऐसा चाप लगाएंगे जो पहले वाले चाप को किसी बिंदु पर काटेगा और इस बी और इस बिंदु को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे तो ये 60 अंश का कोण बन जाएगा। अब ये तो बी सी 6 सेंटीमीटर है, उधर देखिए बी ए कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब अपने कंपास में अब हमें रेडियस कितनी लेनी है? त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या इसमें भरते हैं ज़रा। तो ये हो गई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और अब बिंदु बी को केंद्र लेंगे और एक चाप लगाएंगे 60 अंश वाले कोण बनाती हुई किरण पर। ये तो ये बिंदु हमें कौन सा प्राप्त हो गया बच्चों? ए प्राप्त हो गया। और अब ए से सी को मिला देंगे तो जो त्रिभुज है वो बन जाएगा। एक काम खत्म हुआ। अब हमें क्या करना है बच्चों? इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की 3/4 गुनी हो, अर्थात स्केल फैक्टर दिया गया है 3/4। अब क्या करेंगे? बिंदु बी से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा सीधे खींच लेंगे और इसके पश्चात बिंदु बी को केंद्र लेंगे, प्रकार में कोई भी एक सूटेबल उपयुक्त त्रिज्या भरेंगे और चार चाप लगाएंगे। तीन और चार में बड़ा कौन सा है? चार। तो चार चाप लगाएंगे बी वन, फिर बी वन को केंद्र लेके बी टू, बी टू को केंद्र लेके बी थ्री और बी थ्री को केंद्र लेके अगला चाप बी फोर। समझ में आ रहा है सभी को? अब इसके बाद क्या करना है? ये त्रिभुज जो बनेगा ये छोटा बनेगा, तो यहाँ पर बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर। अब की बार किसको किससे मिलाएंगे भदौरिया बताइए? सी को बी फोर। हाँ ठीक बात है, बैठ जाइए। सी को बी फोर से मिलाएंगे, तो सी को बी फोर से मिला दिया। चलो भैया आप बताओ ज्ञानेंद्र, अब बी फोर सी के समांतर रेखा कहाँ से खींचेंगे? और अब क्या करेंगे इसके आगे? नहीं आए थे सोलंकी, बताइए। नहीं नहीं, किस बिंदु से बी फोर सी के समांतर रेखा खींचेंगे? हाँ बहुत बढ़िया, बी थ्री से। बैठ जाइए, बी थ्री से अब हमें बी फोर सी के समांतर एक रेखा खींचनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? बी फोर को केंद्र लेंगे, मतलब बराबर कोण की रचना करेंगे हम। तो बी फोर को केंद्र लेकर एक चाप लगाया, बिना त्रिज्या बदले बी थ्री को केंद्र लेकर फिर से वही चाप लगाया और अब पहले वाले चाप को नापा, मतलब इस बिंदु पर प्रकाल की नोक, जो बी बी फोर वाली लाइन है और जो बी फोर सी वाली लाइन है इस पे जहाँ पे काट रहा है वहाँ पे पेंसिल की नोक रखेंगे। तो देखिए ध्यान से, इस तरह से चाप को नापते हैं। ये चाप को नाप लिया गया। इसके पश्चात अब क्या करेंगे? इसी त्रिज्या का चाप लगाएंगे ऊपर वाले चाप पर, ये जिससे बी फोर सी की एक समांतर रेखा बी थ्री से खींच जाएगी। अब बी थ्री पे पेंसिल की नोक रखेंगे और आगे बढ़ेंगे सीधे। ये
तो ये रेखा B3 से BC को जिस बिंदु पर काट रही है, चलिए इसका नाम दे देते हैं बिंदु D। अब क्या करना है बच्चों, बताओ भाई सबसे आखिरी वाले क्या करेंगे अब? AC के समांतर खींचेंगे। किस बिंदु से? हाँ बहुत बढ़िया, बिंदु D से बैठ जाइए। अब बिंदु D से AC के समांतर रेखा खींचनी है, तो अब बिंदु D से AC के समांतर रेखा खींचनी है तो हम पहले C बिंदु को केंद्र लेंगे और एक चाप लगाएंगे। बिल्कुल हम लोग ये समांतर रेखा किस की सहायता से खींच रहे हैं? संगत कोण बराबर बना रहे हैं। जब संगत कोण बराबर बना लेते हैं तो खुद ही रेखा समांतर हो जाती है। तो बिंदु C को केंद्र लिया और एक किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाया, फिर बिंदु D को केंद्र लिया उसी त्रिज्या का एक चाप और लगाया, फिर पहले वाले चाप को नापा, इसको केंद्र लेके यहाँ पे पेंसिल की नोक रखेंगे, एडजस्ट बहुत कम ही करना पड़ रहा है, ठीक बात है ये। और इसके पश्चात D से दोनों चाप जहाँ पे काट रहे हैं उसको मिला के आगे एक रेखा खींच देंगे और ये रेखा AB को जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे नाम दे देंगे E। और ये जो अभिष्ट त्रिभुज BDE प्राप्त हुआ है हमें, यही बच्चों दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। समझ में आ रहा है? तो इसका वेरिफिकेशन अब कैसे लिखेंगे बच्चों, ज़रा देखिए इसका हल में वेरिफिकेशन भी जल्दी से लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज BC B4 में, दिख रहा है सभी को, BC B4, इसमें कौन सी भुजा किसके समांतर है? यहाँ पर B3D समांतर है B4C के, कैसे? रचना से, क्योंकि हमने यही तो रचना करी है। उस दशा में आप BPT यहाँ पे लगाएंगे। तो बच्चों अब छोटा त्रिभुज और बड़े त्रिभुज का अनुपात लाना है, तो छोटे त्रिभुज की भुजा पहले लिखेंगे, BD/BC बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, BB3/BB4। अब देखिए BB3 अगर 3 इकाई है तो BB4 कितना इकाई होगा? 4 इकाई, तो अनुपात आ जाएगा 3:4, तो ये आ जाएगा BD/BC बराबर 3/4। समीकरण 1 बना के छोड़ दिया। उसके बाद इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा देते हैं, त्रिभुज BDE व त्रिभुज BCA में, देखिए BDE व BCA में, ये वाला कोण इसके बराबर, रचना से कोण BDE बराबर है कोण BCA के, रचना करिए हमने ये, तो यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे रचना से। उसके बाद कोण B वाला कोण उभयनिष्ठ है, तो कोण DBE पहले छोटे त्रिभुज के लिए लिख रहे हैं, बराबर होगा कोण CBA के, बराबर कोण CBA, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, एक ही कोण है बच्चों, ये दो कोण बराबर हो गए। इस दशा में दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज BDE समरूप हो गया त्रिभुज BCA के, मतलब जो हमने त्रिभुज खींचा है वो समरूप है पहले वाले के। हमने अभी कौन सा खींचा है, BDE, तो BDE समरूप हो गया BCA के, ये तो कहा गया था समरूप त्रिभुज खींचिए। यहाँ पे कौन सी समरूपता लगी बच्चों, कोण समरूपता। अब अनुपात लिख देंगे, कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पे इसी को देख के BD/BC बराबर DE/CA और ये बराबर हो जाएगा BE/BA के और ये बराबर हो जाएगा 3/4 के, कहाँ से, क्योंकि BD/BC पहले से ही हम 3/4 दिखा चुके हैं, इसलिए सभी ये 3/4 के बराबर होंगी। कोई कन्फ्यूज़न किसी को? चलिए बच्चों करिए।